हाय गाइस, चलिए अब तक हम कर चुके हैं अपना डिमांड तक का काम। कंज्यूमर किस तरीके से सोचता है ये काम हमने सीख लिया। भाई ऐसे कई फैक्टर्स हमने देखे जो कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, राइट? और उन सब चीजों को हमने कंज्यूमर के नजरिए से सीखा, कंज्यूमर का बिहेवियर समझा। अब जरा उस प्रोड्यूसर का भी बिहेवियर समझ लें जो ये सामान बनाकर बेचेगा, जो इस सामान की सप्लाई करेगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो भाई अब उस चीज को सप्लाई करने के लिए, प्रोडक्शन करने के बाद जब मैं इसे मार्केट में बेचने जाऊंगा तो मैं उसे किस रेट पर बेचने के लिए तैयार हूं, और अगर मैं बेचने के लिए तैयार हूं तभी मेरी वो सप्लाई कहलाएगी। मान लीजिए मैंने 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन्स बना करके रखी हुई है, लेकिन मैं करंट मार्केट रेट पर उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो मेरे भाई वो सप्लाई नहीं है, दैट इज ओनली स्टॉक। सो जब हम यहां प्रोड्यूसर के बिहेवियर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि वो सप्लायर ऑफ अ कमोडिटी किस किस प्राइस पर अपना सामान बेचने को तैयार है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। स्टॉक का मतलब विच आई एम नॉट सेल, नॉट गोइंग टू सेल, आई एम नॉट विलिंग टू सेल एट द करंट प्राइस विच इज बीइंग ऑफर्ड। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सप्लाई, दैट मींस वो अमाउंट जिस पर मैं अपना सामान बेचने को तैयार हूं, राइट? सो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों सप्लाई की। और सप्लाई का मतलब एक सेलर जिन डिफरेंट रेट्स पर या प्राइसेस पर अपने द्वारा बनाया गया ये स्टॉक, जो भी उसने स्टॉक बनाया हुआ है, अब वो इस स्टॉक को अगर बेचने को तैयार है, ये सारा उसका स्टॉक है। तो अगर वो व्यक्ति अपना ये स्टॉक बेचने को तैयार है, कौन? हमारा ये मिस्टर सेलर। तभी हम कहेंगे कि भाई जरा बताओ वो कौन कौन से प्राइसेस हैं जिस पर वो अपना स्टॉक बेचने को तैयार है। आप कहोगे ये रहे वो डिफरेंट प्राइसेस, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, इसका मतलब जब सेलर अपना सामान वेरियस प्राइसेस पर बेचने को तैयार है, जब उसे प्राइस मार्केट में मिला 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, तो इसके हिसाब से क्वांटिटी सप्लाइड वो बढ़ाता गया, क्योंकि जितना प्राइस उसे ज्यादा मिल रहा है वो और ज्यादा बेचने के लिए उत्सुक हो जाता है। जब 1 रुपया मिल रहा है तो वो 10 यूनिट बेचने को तैयार है, 2 रुपए मिल रहे हैं तो वो 20 यूनिट बेचने को तैयार है, 3 पर 30, 4 पर 40, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई बढ़ाना चाह रहा है। कब? जब उसे नजर आ रहा है कि भाई मेरी जेब में पैसा भी ज्यादा आ रहा है। पर यूनिट प्राइस मुझे आप ज्यादा दोगे तो भैया मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाइड भी लगातार बढ़ा दूंगा, 10, 20, 30, 40 कर दिया उसने। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यानी आज अगर मैं सप्लाई के बारे में बात शुरू कर रहा हूं और इस सेलर के बिहेवियर को, इस प्रोड्यूसर के बिहेवियर को डिस्कस कर रहा हूं, तो ये बात तय रही कि ऐसे कई फैक्टर्स होंगे विच विल अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाई। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी सप्लाइड भी बहुत सारे होंगे। बट इससे पहले कि हम बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ ये ढूंढा, इसी के बेसिस पर हम पहले सप्लाई की डेफिनेशन क्यों ना कर लें, राइट? सो अगर मैं सप्लाई की डेफिनेशन बनाना चाहूं तो वो उसके इस पर्टिकुलर फैक्टर से ही जुड़ी हुई है। पहला फैक्टर, जो फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटी सप्लाइड आपके सामने नजर आ रहा है दोस्तों, इसमें सबसे पहला फैक्टर हमने कौन सा पढ़ा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। तो यही ऐसा फैक्टर है जो असल में इस सप्लाई को डिटरमिन भी करता है। तो मेन फैक्टर यही है। आइए इसी के बेसिस पर हम इस सप्लाई की डेफिनेशन की शुरुआत करें।
ये वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है। तो मैं जब सप्लाई की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की बात कर रहा हूं, यानी मैं एज अ सप्लायर मैं कितनी क्वांटिटी बेचने को तैयार हूं एट द प्रिवेलिंग रेट्स। तैयार मैं तभी होऊंगा जब मैं उसको बेचने के काबिल होऊंगा, यानी मेरे पास उतना स्टॉक होगा तभी तो बेच पाऊंगा। सो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ सप्लायर इज एबल, पहली बात तो एबल एंड विलिंग। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, स्टॉक तो मेरे पास बहुत पड़ा है लेकिन मैं करंट प्राइस पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। यानी दो बातें हैं, पहली बात यह कि भैया जिस स्टॉक को बेचने की बात हो रही है मेरे पास वो स्टॉक भी मौजूद है और मेरी उसे बेचने की इच्छा भी है। किस पर? ये जो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस आपको नजर आ रहे हैं इस पर बेचने की इच्छा भी है, राइट। सो सप्लाई क्या हुई, आइए देखें। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ सप्लायर इज एबल एंड विलिंग, बोथ एबल एंड विलिंग टू सप्लाई, एबल एंड विलिंग टू सप्लाई और सेल एट गिवन प्राइसेस। गिवन प्राइसेस का मतलब जो मार्केट में उसे प्राइसेस मिल रहे हैं। तो भैया मैं एज अ सप्लायर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बेचने को तैयार हूं और उसको बेचने के काबिल भी हूं। बेचने को तैयार जब बात हुई तो इसका मतलब टू सप्लाई एंड सेल। किस पर? क्या फ्री में? नहीं, एट गिवन प्राइसेस। और वो प्राइसेस की एक रेंज हो सकती है, जैसे कि मैंने ये गिवन प्राइसेस की रेंज दिखाई, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये एक रेंज है कि एक रुपए में इतनी क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार हूं। अगर 2 रुपए पर यूनिट मिलेंगे तो मैं ज्यादा बेच दूंगा। यहां पर जिस हम प्राइस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये है पर यूनिट प्राइस, एक यूनिट का इतना मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां हम बात कर रहे हैं प्राइस पर यूनिट, यानी एवरेज प्राइस, प्राइस पर यूनिट। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? और यहां हम ये सब बातें किसकी कर रहे हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स सप्लाइड, राइट। तो भैया अगर फैक्टर्स की बात करें प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, तो भैया तुम मुझे जितना ज्यादा प्राइस देने के लिए ऑफर करोगे मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाइड उतनी ही बढ़ाता जाऊंगा, मैं तो और ज्यादा बेचूंगा भैया तुम्हें। जब तुम मुझे पर यूनिट का प्राइस बढ़ा कर दोगे तो मैं और मेहनत करूंगा, तुम्हें और बेचने के लिए सारे के सारे काम करूंगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। यानी अगर मैं 1, 2, 3, 4 यानी प्राइसेस मेरे 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, तो ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो भैया मैं सप्लाई भी बढ़ाता जा रहा हूं 10, 20, 30, 40। लेकिन अगर उल्टा राउंड लगा लूं एक, कैसे? 4 से प्राइस मिल रहा है मार्केट में 3, तो भैया मैं सप्लाई भी 40 से 30 कर दूंगा, घटा दूंगा। आप कहते हो नहीं जी, मैं तो 3 से केवल 1 रुपया ही प्राइस दूंगा, डायरेक्ट घटा दूंगा प्राइस। तो सप्लायर कहेगा ठीक है भैया मैं 10 ही दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं तो ज्यादा तब बेचने में इंटरेस्टेड हूं जब आप मुझे ज्यादा प्राइस दो, राइट। तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। यानी अगर मैं एक तरफ प्राइस ले लूं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, और दूसरी तरफ ले लूं क्वांटिटी सप्लाइड, कि मैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूं, क्वांटिटी सप्लाइड, तो मेरे दिमाग में केवल एक चीज है कि भैया तुम मुझे प्राइस 1 रुपया दे रहे हो तो मैं तुम्हें 10 यूनिट्स बेच रहा हूं। अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि चिंता मत करो जी,
हम तुम्हारा प्राइस बढ़ा देते हैं, तो मैं कहूंगा टेंशन वाली क्या बात है, मैं फिर अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, ज्यादा बेचने को तैयार हूं मैं। आप कहते हो लो जी लो जरा और प्राइस बढ़ा देते हैं आपका, बढ़ा करके 3। मैं कहता हूं लो फिर मेरी तरफ से भी तुम क्वांटिटी ज्यादा ले लो, जितना प्राइस मुझे मार्केट में ज्यादा मिलेगा मैं तो उतना ही ज्यादा बेचने को तैयार हूं। यानी इस वक्त अगर आप इस सप्लाई कर्व की तरफ नजर डालें तो क्या ये आपको अपवर्ड स्लोपिंग नजर आ रही है या नहीं? यानी सप्लाई क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि जैसे जैसे मुझे प्राइस ज्यादा मिल रहा है वैसे वैसे मैं सप्लाई भी ज्यादा करने को तैयार हूं। और अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो मुझे ज्वाइन करने के बाद आखिरकार क्या ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व नजर आ रही है या नहीं? यानी सप्लाई कर्व हमेशा ही अपवर्ड स्लोपिंग होगी, इज दैट क्लियर? तो दोस्तों हम इसे लिख देते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, और प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में इन दोनों में कैसा रिलेशन नजर आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशन। इज दैट सो और नॉट? यस। सो ये था हमारा पहला फैक्टर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, ये है दोस्तों प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक प्रोड्यूसर केवल एक ही कमोडिटी बनाता है हमेशा? ऐसा तो नहीं होता, एक प्रोड्यूसर एक से ज्यादा कमोडिटीज भी बना सकता है। तो मान लीजिए हमारे ये मिस्टर सप्लायर, मिस्टर बिग मुस्टैश, इनका नाम क्या है? मिस्टर बिग मुस्टैश, बड़ी बड़ी मूछें हैं इनकी। तो मिस्टर बिग मुस्टैश जो हैं क्या करते हैं, ये स्टेशनरी बनाते हैं, पेन्स भी बनाते हैं, पेंसिल भी बनाते हैं। अब भैया मार्केट में इसको किसी एक चीज से ऐसा लगाव नहीं है कि जी मुझे पेन बनाने से बड़ा प्यार है, या मुझे ना पेंसिल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पेंसिल मुझे पेन से ज्यादा अच्छी लगती है। एक सप्लायर के लिए अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, जानते हो, केवल एक चीज होती है कि भैया जिससे नोट ज्यादा मिलेंगे मैं काम वही शुरू कर दूंगा, और क्या, मुझे आप पेन इसके प्राइसेस बढ़ा दो मेरे, मेरा फिर जलवा देखो, मैं सारी की सारी जान उठा के किस में लगा दूंगा, अपने पेन्स बनाने में लगा दूंगा। उधर आप बोलो जी पेंसिल के ज्यादा पैसे मिलेंगे, पेंसिल में अल्टीमेटली ज्यादा मुनाफा होगा, तो भैया मैं इसे बनाऊंगा, इसे ज्यादा बेचूंगा। अगर नहीं भी बना रहा और मैं खाली ट्रेडर हूं तब भी मेरी यही थिंकिंग है, ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं ज्यादा बेचूंगा, कम पैसा मिलेगा तो कम बेचूंगा, और दो में कंपैरिजन करना पड़ गया कि ए बनाऊं या ये बी बनाऊं, तो इन दोनों में भी मुझे जहां पर लगेगा कि मुझे ज्यादा मुनाफा है मैं तो उसी के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन बना दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेन के प्राइसेस मार्केट में से ज्यादा मिलते हैं तो इसके प्राइसेस के बढ़ने का इंपैक्ट इसकी रिलेटेड गुड पर, अदर गुड पर क्या होगा, सवाल ये है। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मार्केट में पेन के प्राइसेस ज्यादा मिलते हैं इस पर्टिकुलर सेलर को, तो भैया वो आखिरकार इस पेंसिल के साथ क्या सलूक करेगा, कितनी क्वांटिटी बनाएगा, क्या वो इसकी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दिस पेंसिल बढ़ा देगा या घटा देगा। यानी हम यहां पर जो बातचीत कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइसेस ऑफ अदर गुड, कि जो ये अदर गुड है क्या इसका प्राइस, अदर गुड में इसमें फिलहाल किसे ले लूं, पेन को, मान लो कि पेन एक अदर गुड है और पेंसिल दूसरी गुड है, इसकी बारे में बातचीत चल रही है। भैया ये बता दो कि आखिरकार पेंसिल की क्वांटिटी सप्लाइड पर क्या असर पड़ेगा अगर मार्केट में पेन के प्राइसेस
ज्यादा मिलने लग गए हमारे इस सप्लायर जी महाराज को। सप्लायर सोचेगा यार पेन के प्राइस ज्यादा मिल रहे हैं भैया, मुनाफा इसी में है, तो ज्यादा क्या बनाऊं, ज्यादा क्या बनाऊं, वो कहेगा ज्यादा पेन बनाऊं। अब भाई हाथ में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वर्किंग कैपिटल जो होती है बिजनेस चलाने के लिए, वो तो लिमिटेड ही होती है। अब वो कहेगा यार क्या करते हैं, चलो एक काम करो, पेंसिल में हमें कम रेट मिल रहा है मार्केट में इन कंपैरिजन टू पेन्स, तो जरा पेंसिल की ना क्वांटिटी सप्लाइड घटा डालो। इसे घटा करके जो पैसा बचेगा वो उठा के पेन में लगा दो, क्योंकि उसके रेट तो मार्केट में ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसी कारणवश अगर रिलेटेड गुड जो थी, ये जो अदर गुड थी, जैसे हमारी रिलेटेड गुड्स थी कहां पर, हमारे डिमांड वाले चैप्टर में, वैसे यहां पर एक अदर गुड है और ये दोनों सप्लायर की ही है। तो भाई अगर प्राइस ऑफ अदर गुड, हमारे एग्जाम्पल में प्राइस ऑफ अदर गुड, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेन्स की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेन्स की। तो अगर प्राइसेस ऑफ अदर गुड यानी दीज पेन्स, ये प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा मिलने लग जाते हैं, तो भैया क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी इन क्वेश्चन, कमोडिटी इन क्वेश्चन का मतलब, इन क्वेश्चन का मतलब होता है जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पेंसिल, इसकी क्वांटिटी सप्लाइड पर क्या असर पड़ेगा, सवाल यह है। यानी अगर पेन के प्राइसेस मार्केट में ज्यादा मिले, जाहिर सी बात है कि भैया पेंसिल की हम क्वांटिटी कम बनाएंगे, और अगर पेन मार्केट में सस्ता बिकने लगे, प्राइस कम मिलने लगे, तो सेलर क्या बोलेगा, छोड़ो भैया पेन, चलो पेंसिल की ओर, वहीं पर ज्यादा मुनाफा है, प्राइसेस उसके ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसीलिए क्वांटिटी ऑफ पेंसिल वो ज्यादा बेचेगा। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है दोस्तों, यहां पर जिस चीज का, अदर गुड का डिस्कशन हो रहा है उसके प्राइस पर डिपेंड करेगा कि वो जो दूसरी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है उसकी हम क्वांटिटी प्रोड्यूस या सेल कितनी करें। ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेडर खाली बेच रहा हो, सिर्फ बेचने का काम करे, बट दोनों में फंडामेंटल एक ही है, भैया सेल प्राइस जिसमें ज्यादा मिलेगा मेरा इंटरेस्ट भी उसी में है। तो ये एक दूसरा फैक्टर था, दैट इज प्राइस ऑफ अदर गुड, जो कि सप्लायर की सप्लाई को इंपैक्ट करता है, राइट। आइए अब दूसरा देखें, मार्केट में अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर कुछ चीज प्रोड्यूस करता हूं, तो भैया मुझे सबसे पहले पैसा लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है भाई, अगर मैं पेन पहले बनाऊंगा तो भैया सबसे पहले तो इनपुट डालना पड़ेगा, इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक, इंक और पैकिंग पेपर, उसकी प्रिंटिंग का सामान, न जाने कितनी चीजें चाहिए। वो है कॉस्ट ऑफ इनपुट, इनपुट डालूंगा तभी तो आउटपुट निकलेगा, प्रोडक्शन तभी आएगी, ठीक बात है कि नहीं। तो रॉ मटेरियल को यूज करके मैं फाइनल प्रोडक्ट निकालूंगा, और अगर मैं कहूं कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बोलिए होता है या नहीं। सो कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स मार्केट में मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो गया, पता चला जी इसके प्राइसेस बढ़ गए, रॉ मटेरियल मुझे कॉस्टली मिल रहा है, उधर से मेरी लेबर भी महंगी हो गई, ये भी मेरे लिए अब ज्यादा कॉस्टली अफेयर हो गया है, ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, और अदर कॉस्ट जितनी भी बची है मान लो वो भी बढ़ रही हैं। जब ये सारी की सारी कॉस्ट, जब मैं इस कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ये कॉस्ट जब मेरी अल्टीमेटली बढ़ रही है दोस्तों, तो कॉस्ट के बढ़ने का इंपैक्ट क्या होना चाहिए,
ये सोचने की जरूरत है, क्या मैं ज्यादा बना पाऊंगा या कम बना पाऊंगा, सवाल ये है। तो जब मेरी कॉस्ट बढ़ रही है सारी की सारी, ये कॉस्ट जब मेरी बढ़ रही है तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड पर क्या असर पड़ेगा? सोचिए, क्या मैं क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा या कम सप्लाई कर पाऊंगा? जाहिर सी बात है, कम सप्लाई कर पाऊंगा भैया। ये हो गई मेरी कॉस्ट ज्यादा और उस कारण से मेरी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई कम। ये कॉस्ट हो गई मेरी कम, घट गई कॉस्ट और यही मैंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी। यानी आपस में इसमें तो कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स इनडायरेक्ट, बोलिए हाँ या ना। और पीछे क्या था, प्राइस ऑफ अदर गुड और कमोडिटी, इसमें भी तो इनवर्स रिलेशन था, यहां पर भी इनवर्स रिलेशन आपको नजर आ रहा है कि कॉस्ट, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, लेबर की हो, अदर कॉस्ट हो, अगर ये मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है तो भैया क्वांटिटी सप्लाइड घटेगी, और अगर ये मेरी कॉस्ट घट जाती है तो भाई मेरी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। और इनके बीच रिलेशन कैसा है दोस्तों, ये है इनवर्स रिलेशन। दैट मींस जो हम कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट की बात कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली मेरी सप्लाई कितनी होगी उसको भी डिटरमिन करता है। मेरी कॉस्ट ज्यादा है तो मैं कम सप्लाई कर पाऊंगा, कॉस्ट कम है तो मैं ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा। वेरी 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 सिंपल पार्ट। तो ये था दोस्तों तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, कपड़ा बनाने वाली कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं भाई, पुराने जमाने से कपड़ा बना आ रहा है, हाथ करघा चरखा ये सब मशीनें होती थी, फिर थोड़ी छोटी मशीनें आई जिससे हम कुछ डाई का काम, ये प्रिंटिंग का काम कर पाते थे, और आज इतने बड़े बड़े प्लांट्स बन गए हैं जहां पर कपड़ा लाखों मीटर्स की तादाद में एक दिन में बन जाता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी वी यूज, इज दैट सो और नॉट। तो क्या किसी भी प्रोड्यूसर को उसके द्वारा यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी क्या उसकी क्वांटिटी सप्लाइड पर असर डालती होगी? जाहिर सी बात है डालेगी भाई। यानी एक प्रोड्यूसर या सप्लायर किस तरह की स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है उस पर यह बहुत डिपेंड करेगा। अगर उसकी टेक्नोलॉजी अपडेटेड होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तो जाहिर सी बात है कि भैया वो हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा कर पाएगा अपनी इस टेक्नोलॉजी के कारण। लेकिन यही अगर उसकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी, सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर टेक्नोलॉजी होगी, तो क्या क्वांटिटी सप्लाई बढ़ पाएगी? कभी भी नहीं। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर मेरी टेक्नोलॉजी कैसी है, अपडेटेड एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी, तो मेरे भाई मेरी क्वांटिटी सप्लाइड का लेवल भी ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर मेरी आउटडेटेड या इंफीरियर टेक्नोलॉजी होगी तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड भी कम कर पाऊंगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो हमने देखा इस क्वांटिटी सप्लाइड का बिहेवियर विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग यूज्ड बाय द सप्लायर, राइट? यानी इसमें क्या हो गया, अपडेटेड बढ़िया टेक्नोलॉजी तो भैया ज्यादा ज्यादा सप्लाई, अदरवाइज कम सप्लाई। चलिए, चार हमने ऐसे पॉइंट्स पढ़ लिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब जरा टैक्सेस पर आ जाओ। गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस ज्यादा लेती है अगर प्रोडक्शन के, तो आपके हाथ में जो वर्किंग कैपिटल थी वो भैया टैक्सेस के रूप में गई, बोलो हाँ या ना। यानी अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को, अपने इस टैक्सेस के रेट को बढ़ा देती है तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड पर पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव? नेगेटिव पड़ेगा। इसका मतलब ये, जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड कम कर पाऊंगा, और अगर टैक्सेस घटेंगे तो जाहिर सी बात है मैं क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा कर पाऊंगा। यानी टैक्सेस
एंड क्वांटिटी सप्लाइड का आपस में कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स, ज्यादा टैक्सेस, अगर टैक्सेस हैं मोर तो क्वांटिटी होगी कम, अगर टैक्सेस होते हैं लेस, आपने उन्हें कर दिया रिड्यूस, तो समझ लीजिए कि आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। तो मोर टैक्सेस, लेसर द क्वांटिटी सप्लाइड, लेसर द टैक्सेस, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, यानी टैक्स रेट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच डिटरमिन्स द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सप्लायर। तो मेरे भाई पांच पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा ना प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में बताता हूं, उसकी सोच के बारे में कि आखिरकार उसके कमाने के तरीके क्या होते हैं। कई लोग कहते हैं भाई हम तो अपनी बड़ी नीच मार्केट में पैसा लगाकर उसे बेचेंगे चीजों को, गिने चुने लोग होंगे लेकिन हम चार्जेस ज्यादा लेंगे, यानी हमारा मकसद क्या है, कम बनाओ, नीच प्रोडक्ट बनाओ, बहुत कम मार्केट में अवेलेबल हो और जम के पैसा लो उसका, यानी आपका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि भैया हमारी जेब में पैसा ज्यादा आना चाहिए, यानी इधर हम बात कर रहे हैं गोल ऑफ द फर्म की। अगर मेरा गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि भैया मुझे तो किसी भी हाल में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, अब आप कहोगे यार हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक सप्लायर यही तो सोचता है कि भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों आप थोड़ा सा कम दिमाग लगा रहे हैं, और दिमाग लगाइए, क्या सिर्फ प्राइसेस को बढ़ा करके ही मैं पैसा कमा सकता हूं? नहीं। आइए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं। दूसरा व्यक्ति कहता है भैया मुझे तो अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, भले पर यूनिट मुझे कम मिल जाए लेकिन मेरा माल हर जगह नजर आना चाहिए, यानी मेरा मकसद है अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करके प्रॉफिट्स को कमाना। अब जरा सोचिए जो व्यक्ति कहता है कि मैं तो भैया अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करूंगा, कम माल बनाऊंगा और ज्यादा रेट पे बेचूंगा, यानी वो हमेशा क्वांटिटी सप्लाई कम करेगा, लेकिन जिसका मकसद ही सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, तो भैया मैक्सिमम सेल्स तब होंगी ना जब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करोगे, मैक्सिमम सप्लाई करोगे, इसका मतलब सेल्स मैक्सिमाइज करने वाले व्यक्ति की क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी। इज दैट सो और नॉट? तो मेरे भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का यहां पर मकसद जिसका भी होगा वो कहेगा ठीक है जी मैं तो कम सप्लाई करूंगा, और जिस व्यक्ति का मकसद होगा सेल्स को मैक्सिमाइज करना वो क्या करेगा, वो अल्टीमेटली अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएगा और ज्यादा माल मार्केट में बेचेगा, बनाएगा। इज दैट सो और नॉट? बनाकर बेचेगा या खरीद कर कहीं से बेचेगा? तो दोस्तों ये सारे के सारे केसेस हमने ऐसे फैक्टर्स पढ़े जो एक सप्लायर के द्वारा की गई सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। दोस्तों तो ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, हम एक नया सेशन लेकर फिर से हाजिर होंगे, सप्लाई के बारे में और बातें जानेंगे, हम जानेंगे कि आखिरकार टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये छोटी छोटी बातें जिस तरह से हमारी सप्लाई को इंपैक्ट करती हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इंपैक्ट करते आ रहे हैं और उसके कारण सप्लाई कर्व की मूवमेंट किस तरफ होगी या चेंज किस तरफ होगा। तो जिस तरह से हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था ना कि भाई डिमांड में या तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है या फिर उसके अंदर शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है, राइट या लेफ्ट, बिल्कुल उसी तरीके से सप्लाई में भी या तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगी या फिर क्या होगी, या होगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्या ये बात समझ आई? तो हम ये सारे के सारे चेंज इन सप्लाई के बारे में सारा डिस्कशन करने वाले हैं अपनी अगली क्लास में, और तब तक के लिए सुधीर सचदेवा को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय।